हे गाइस, मैं हूँ ब्रज वर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा मॉब की रियलिटी, ऐसी चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी और मैं भी सभी को बुरी लगी। वो तो मुझे क्या, सबकी बुरी लगी ना, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी। क्या, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉक्स में क्या होता है। ठीक है, 3 मॉक आपको क्लियर करना जरूरी होता है, वो एक कट ऑफ है समझ लो आप, 15 मॉक में से। उसके बाद मॉक का लेवल भी ये लोग मॉक स्टार्ट होने से पहले बता देते हैं कि जो आपका कोर्स पहला कोर्स रहता है DSA का 101, यानी कि कोडिंग का तो ठीक है जो चलता है, HTML CSS ही आती है आपको, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट 6 मॉक तक, उसके बाद होती है रिएक्ट स्टार्ट। तो देखो कैसा है कि सबसे गलत चीज जो है ना वो मैं बताऊंगा क्या क्या गलत है। गलत थोड़ा सा मतलब DSA वाले पार्ट में जो है वो इन्होंने थोड़ा सा लफड़ा किया है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसा किया है। कि देखो, इन लोगों ने क्या बताया था कि आपको पहले वीक में क्या आएंगे, DSA 101 के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 201 के आएंगे और 211 के आएंगे, इससे ज्यादा क्या आएंगे, है ना। उसके बाद आपको दूसरे वीक में भी 201, 211 और 301 तक जाएगा, ठीक है, दूसरे वीक तक। तीसरे वीक में जाएगा आपका 301, 401 आ जाएगा। तो यानी कि 2 वीक तक तो काफी इजी आने वाले हैं, क्योंकि DSA के दूसरे कोर्स तक आने वाले हैं 2 वीक में। लेकिन पता है जो पहला वीक था ना, उसी में DSA के क्वेश्चन भाई इतने टफ क्वेश्चन डाल दिए थे, DSA के बंदे से हो ही नहीं रहे थे, इसीलिए तो मेरा पहला मॉक नहीं निकला। पहला मॉक नहीं निकला क्योंकि कोडिंग अच्छा गया, DSA का फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन दे दिया इजी सा, और मेरे को लगा अच्छा मजे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा मॉक। तो फिर पता है DSA में यार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें कि क्या ही बताऊं आपको। पहला मॉक, दूसरा मॉक, तीसरा मॉक, उसके बाद तीसरे मॉक के बाद चौथे मॉक से स्टैक एंड क्यूज जब आने लगे ना, तो स्टैक क्यू में इन लोगों ने तो इनके हिसाब से क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस स्टैक और क्यू अगर हम कह सकते हैं कि थोड़े इजी पढ़ते हैं, तो बंदे के वहां से ज्यादातर बंदों के मॉक क्लियर हो रहे हैं। अब पहले मॉक में कुछ मे बी 70 लोगों का मॉक क्लियर हुआ था, 70 मे बी, मुझे थोड़ी काउंटिंग फिगर ध्यान में नहीं है, क्योंकि पहले मॉक में 71, दूसरे में 93, और या फिर पहले में 93 और दूसरे में 71, ऐसा कुछ था रेशियो। तो समझ लो 250 लोगों में से भाई 70 लोगों के मॉक क्लियर हुए, तो मतलब कितने कम लोगों के मॉक क्लियर हो रहे हैं। तो फिर पेपर कैसा आ रहा है, कैसे आ रहे हैं मॉक, समझ सकते हो आप। तो यार ऐसा है देखो कि इन लोगों ने, अगर जिसका 311 क्लियर है वो मॉक दे सकता है, ठीक है, प्लेसमेंट तक जा सकता है, तो मिनिमम 3-4 मॉक में तो मीडियम क्वेश्चन रखना चाहिए, थोड़े तो मीडियम रखना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा लेवल ले रहे हैं ये लोग DSA में। यही बात है, क्योंकि यार 6 मॉक, 6 मॉक के बाद तो फिर यह मान लो आपकी एडवांस टॉपिक आते हैं DSA के, तो फिर बंदा कैसे ही कर पाएगा। तो थोड़ा स्टार्टिंग में भी 3 में ना तो 2 में तो थोड़ा जो कहे वो चीज दो। आपने 101 का कहा था, तो थोड़ा 101 का लेवल क्या होता है, आप भाई दे रहे हो 211 का अच्छा वाला लेवल पहले ही मॉक में। तो यार यही था, पहले ही मॉक से ही अच्छा खासा लेवल देते हैं DSA का, ये चीज मुझे गलत लगी। मतलब एक सीक्वेंस में चलना चाहिए ना यार, लेवल फिर उसके आगे वाला लेवल, फिर उसके और लेवल बढ़ा दो, फिर और लेवल बढ़ा दो, लेकिन इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा लेवल दिया इन लोगों ने, ये चीज मुझे गलत लगी। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी आती है जिनको DSA नहीं चाहिए, लेकिन DSA पे इन्होंने मेहनत कराई है, अच्छा सिखाया है, लेकिन फिर भी DSA कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो ऐसी हो जाएगी, हर हर कोई नहीं कर पाता है DSA, बहुत मेहनत लगती है यार उसमें। तो ये यार ये चीज मुझे गलत लगी थी जो मैंने आपको बता दी, कि स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा लेवल देते हैं, क्योंकि इनको स्टार्ट थोड़ा कम से करना चाहिए फिर बढ़ाना चाहिए, जो कि इन्होंने भी बोला था कि ऐसा करेंगे लेकिन नहीं किया। ये चीज थी गलत जो मैंने आपको बताई। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार DSA VSA सब हो जाएगा नॉर्मल ठीक ठाक रहेगा, तो ऐसा नहीं है भाई, स्टार्टिंग से ही DSA का अच्छा लेवल आता है मॉक्स में। अगर DSA अच्छा नहीं है तो आपके मॉक क्लियर नहीं होंगे, सीधी बात, क्लियर नहीं होंगे। जिसका नॉर्मल मीडियम है ना DSA, वो कर ही नहीं पाएगा, एक भी मॉक नहीं कर पाएगा भाई। इसलिए DSA पे फोकस करो अगर मॉक क्लियर करना है तो। ओके